नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, शॉर्ट में बोलेंगे लोकोसी. स्टेट्स व्हाट? इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज लोकोसी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन? समझते हैं. लेट देयर इज अ बॉडी व्हिच इज न्यूट्रल. व्हाट डज इट मीन? इट डजंट हैव प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इट हैज? इट टच नहीं कर रही है, पास में रखी है बस. जैसे इसको पास लेके आएंगे क्या होगा? इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ये उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी? रिपेल कर देगी. जिसे पॉजिटिव चार्ज फार्दर सरफेस पे चला जाएगा क्योंकि बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता, और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगी जिससे नेगेटिव चार्ज नियर बाय सरफेस पे आ जाएगा. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी नाउ? जीरो. अब भी जीरो. दिस इज नोन एज इंडक्शन. क्या बोले, क्या हुआ इसमें? चार्ज तो पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है. कृष्णा डिफाइन इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन? क्या लिखें? इसे आपने देखा हो छोटी क्लास में पढ़ा दो एक्टिविटी. कॉम को ड्राई हेयर से रब किया, स्मॉल पेपर पीस के पास लेके गए तो उनको अट्रैक्ट कर लिया उसने. क्या हुआ? वो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंडक्शन. इंडक्शन क्या है? इसे बोलते हैं इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन? क्या लिखूं इसे मैं? क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस. प्रोडक्शन ऑफ चार्ज नहीं, सेपरेशन ऑफ. दिस इज इंडक्शन, इज रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज. है ना, जो चार्ज पहले पूरी बॉडी में फैला हुआ था उसमें से नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव उधर चला गया. यानी टोटल चार्ज अब भी उतना ही है बट रीअरेंज हो गया. रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन अ बॉडी due to presence of nearby charged body is known as induction. Now the question is, what is the charge on this body? Positive charge. On this one? Neutral. What happens with them? Which type of force is there between them? Attractive or repulsive? Attractive. ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्ज्ड है. चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन. सर उस साइड अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है तो अट्रैक्शन दोनों. दोनों नेट क्या होगा? टोटल क्या होगा? इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन रिपल्शन. अट्रैक्शन. इन दोनों में रिपल्शन. अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है. ये पास में है इसलिए अट्रैक्शन कम होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा और इनमें रिपल्शन दूर है तो रिपल्शन. तो नेट क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है. सो नेट क्या लिखें? कंक्लूजन इज ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन होगा. ठीक है, अब आंखें खुली. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखें जरा. लाइक चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट. रिपेल लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. Unlike charges attract each other. Clear? Question is, listen please, can two
like charges attract? Can two like charges attract? No. The answer is very certain condition when they are very brought very close together. जनरली वही जो जैसे एक्सेप्शन बताया था मैं, तो एक सर्टेन जनरली लाइक चार्जेस रिपेल बट कैन अट्रैक्ट. क्यों, कैसे? ड्यू टू इंडक्शन. इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमेशा नहीं. कब? व्हेन चार्ज ऑन वन बॉडी इज लार्ज इन अमाउंट एज कंपेयर्ड टू अनदर बॉडी. एक बॉडी पे चार्ज बहुत ज्यादा हो, दूसरी बॉडी पे चार्ज कम हो, तो इंड्यूस्ड चार्ज ज्यादा आ जाएगा जिससे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, रिपल्शन कम रह जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे चार्ज भी होता प्लस क्यू, थोड़ा बहुत कुछ होता चार्ज. ठीक है, इसका जो इंडक्शन होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा. यदि इस पे चार्ज बहुत कम है तो इंडक्शन का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और लाइक चार्ज का रिपल्शन कम रह जाएगा. सो नेट अट्रैक्शन हो जाएगा. ओनली अंडर दिस कंडीशन दैट हैपेंस. जनरली लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बट ड्यू टू इंडक्शन व्हेन चार्ज ऑन वन बॉडी इज लार्ज एज कंपेयर टू अनदर, इस पे बहुत ज्यादा चार्जेस पे बहुत कम है तो रिपल्शन होगा, लाइक चार्जेस का रिपल्शन होगा, बट वो कम चार्जेस पे कम रह जाएगा और इसका इंडक्शन की वजह से जो चार्ज होंगे उनका जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा. इंडक्शन की वजह से क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन. तो इंडक्शन वाला जो अट्रैक्शन है वो लाइक चार्जेस के रिपल्शन से ज्यादा हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा. सो नेट अट्रैक्शन हो जाएगा बट ओनली इन दिस कंडीशन. जनरली क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखना है? लाइक चार्जेस रिपेल. स्ट्रेस डाल के पूछ रहे हैं तब हमें ये सोचना होता है. नेक्स्ट इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट by what force? That is given by Coulomb, known as Coulomb's law. Let this is a point charge plus q1 and plus q2 placed r meter apart in vacuum. Then electric force between them, it states that Coulomb's law states that electrostatic ya electric force ek hi baat hai between two point charges, between two point charges that in vacuum that is F vacuum is directly proportional to, batao, q by q product of charges. Yes, product of magnitude of charges, that is correct. Magnitude means whether they are positive or negative, we should take positive. Magnitude modulus का मतलब हमेशा positive रहेगा, क्योंकि sign consider नहीं करना. And inversely proportional to distance between square of distance between their centers or between them. That is proportionality constant is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by इस कांस्टेंट को कई बार k भी लिख देते हैं, k q1 q2 by r square. That is where k is equals to 1 by 4 by epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये गिवन मिलेगी एग्जाम में, हमें याद भी होनी चाहिए. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कूलम्स लॉ पे बेस्ड तो अपने आप याद हो जाएगी. वी नो 4 पाई, एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पे आ रही है, ये सिंबल. इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन. सिंबल किसको? सिंबल इज एप्सिलॉन.
साथ में डॉट लगा होगा तो एप्सिलॉन नॉट या डॉट बोल सकते हैं. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस. दिस सिंबल इज नोन एज एप्सिलॉन एंड इट रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर. नाउ द क्वेश्चन इज परमिटिविटी. परमिटिविटी मींस व्हाट? मुझे एक्सप्लेन करना है परमिटिविटी होता क्या है. आगे बढ़े. नेक्स्ट, इन अ मीडियम दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, दैट इज द आंसर. इन्हीं दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख दें तो अब फोर्स कितना होगा? सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, सेम चार्जेस हैं, प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू. देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम is equal to force between the charges in vacuum divided by small k. ये के इस k से अलग है. इसको हम k x y z कुछ भी ले, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है k. इसको आप कुछ और भी ले सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड सिंबल ही हमेशा k ही रहेगा. ध्यान रहेगा by k. इसको हम क्या लिखे यहाँ पे, where K को एप्सिलन आर भी लिख देते हैं. ये एप्सिलन नॉट एनी एब्सोल्यूट, एप्सिलन आर है क्या ये? इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. क्वेश्चन में मैंने बताया ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी. परमिटिविटी क्या है ये हमें समझना है. परमिटिविटी टेल्स व्हाट? देखें जरा, कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स इन वैक्यूम इज दिस वन. उन्हीं चार्जेस को जैसे मीडियम में लेके गए, फोर्स कितना हो गया? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के. मतलब मीडियम में जाते ही इस मीडियम ने इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को कम कर दिया. कितने टाइम्स कम कर दिया? दैट इज परमिटिविटी. फॉर एग्जांपल, एडिशनल पॉइंट है फॉर मेटल्स. मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट. फॉर वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80 और 81. फॉर वैक्यूम और एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1. वैक्यूम के लिए एग्जैक्टली 1, वाटर के लिए एयर के लिए अप्रोक्स 1. अब क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, कि के ये परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी का मतलब क्या है? ओके, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट और बैड सॉल्वेंट. गुड सॉल्वेंट क्या बोलते हैं? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज गुड सॉल्वेंट क्यों? इसमें इजीली मटेरियल डिसॉल्व हो जाते हैं. क्यों? ड्यू टू परमिटिविटी. क्योंकि वाटर की परमिटिविटी कितनी है? 80. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl. यू नो NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. NaCl में क्या है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में क्या हो रखी है? केमिकल बॉन्डिंग. कौन सी? आयनिक कोवेलेंट मेटालिक मॉलिक्यूलर आयनिक बॉन्डिंग है रखी है. या कोवेलेंट आयनिक, ठीक है. इनके बीच में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, बट वो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स है. इसलिए इतना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में ये फोर्स लग रहा है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव में. इस फोर्स को ही केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग यानी जो जोड़ के रखता है. ठीक हुआ यहां तक? इन दोनों के बीच में NaCl मॉलिक्यूल ने नमक एयर में रखा हुआ है कहीं भी. इन एयर लेट फोर्स बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज F. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की एयर में रखा हुआ नमक, कितना फोर्स है? लेट F. जैसे ही नमक को वाटर में डिप कर देंगे, व्हाट हैपन इन वाटर, फोर्स बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बिकम्स व्हाट? एयर से वैक्यूम से मीडियम में जाते ही फोर्स कितना हो जाएगा?
force in water becomes equals to force in air and F by dielectric constant of water. कितना है 80? Water का dielectric constant 81. That means water में जाते ही water ने इनकी bonding को इनके बीच में electrostatic force को 80 times weak कर दिया. अब 80 times 80 गुना bond weak हो जाएगा. You can imagine. Easily break होगा, easily dissociate होगा, dissolve हो जाएगा. Strength half भी हो जाए तो बहुत weak हो जाता है. 80 गुना कम कर दिया उसने. What permittivity? Permittivity मतलब medium electrostatic force को कम कर देता है. Vacuum से कम कर देता है. कितने times कम कर देता है उसका dielectric constant. That means electric forces are medium dependent or independent? मीडियम डिपेंडेंट, क्योंकि मीडियम चेंज करते ही क्या चेंज होगा, फोर्स चेंज हो जाएगा. यानी जिन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इन चार्जेस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, बट मीडियम पे भी डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर मीडियम डिपेंडेंट फोर्सेस. व्हाट इट, व्हाट इज चार्ज प्रॉपर्टी, मैटर रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस. टाइप्स ऑफ चार्ज क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव यूनिट डायमेंशन, चार्ज स्केलर क्वांटिटी. व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, व्हाट हैपेंस टू मास? व्हाट हैपेंस टू मास? डिक्रीजेस स्लाइटली. एंड व्हेन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इंक्रीजेस स्लाइटली. स्लाइट वर्ड यूज करना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है. और क्या पढ़ा हमने? क्वांटाइजेशन इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी फ्रैक्शन नहीं है, एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन हमें यूज नहीं करना. नेक्स्ट इज लोकोसी. चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर. इंडक्शन इज रीअरेंजमेंट. उसके एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी मैंने न्यूमेरिकल करा दिए हैं. ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ पे बेस्ड, मैंने न्यूमेरिकल करने हैं. फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट सिर मेटल्स में जो इनफाइनाइट हाँ मेटल्स का डायरेक्टली कॉन्स्टेंट मैनेज होता है, मतलब वो फोर्स को मेटल से डालने पर जीरो हो जाएगा.